मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 12,400 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। इस दौरान 97 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। पिछले 15 दिन में कोरोना से 1,251 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन वास्तविक आंकड़े कई गुना ज्यादा है। शमशान में कोविड प्रोटोकॉल के तहत पिछले 15 दिनों में 12,389 शवों को अंतिम संस्कार किया गया। स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 7,262 मरीज आईसीयू बेड पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को टाटा संस के प्रमुख एन चंद्रशेखरन से फोन पर चर्चा की। बातचीत में मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराने की सहमति बन गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश को सिटी स्कैन मशीनें भी टाटा की तरफ से